ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 एडी में आई, लेकिन उस समय कंपनी अपने बिजनेस पर ध्यान देती थी और तीन जगह बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपनी बड़ी फैक्ट्री खोली, जिससे बाकी क्षेत्रों को कंट्रोल किया जा सके व्यापार के लेकर। पहली बार बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जिसमें रूलिंग पार्टियों के साथ मिलकर और वो रूल करना शुरू किया। इस बंगाल में सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बाद जब मुगल एम्पायर भी शामिल थे, हार गए, तब एक ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी से ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल का बना। जब बंगाल का ड्यूअल गवर्नमेंट बना तो बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर इक्विवेलेंट थे, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी वो पोस्ट जो था गवर्नर का, वो गवर्नर जनरल हो गया और उसी के अंदर बंबई और मद्रास आ गया। यानी डिसीजन लेने का काम अब बंगाल के गवर्नर जनरल करेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स बने, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जिनका टेन्योर 1773 से 1785 तक रहा। और इस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो एक पोस्ट था डिप्टी दीवान का, उसको डिसमिस कर दिया। उस समय दो दीवान थे, एक बंगाल का रेजा खान और बिहार के सिताब राय। राजा सिताब राय, राजा की उपाधि उसे अंग्रेजों ने दी थी। इसके बाद जब नए नवाब बने, मुबारक उद्दौला जो कि माइनर थे, उनका उम्र 18 वर्ष से कम था, तो उनकी मां मुन्नी बेगम को रिजेंट बनाया गया नवाब के जो भी उत्तराधिकारी के साथ। सबसे अहम बात यहां यह हुई कि इन लोगों ने मुगल एम्पायर का जो अलाउंसेज आता था अंग्रेजों के तरफ से पर एनम 20 लाख, उसे स्टॉप कर दिया, जिससे काफी खलबली मची। इसके साथ जो इलाहाबाद ट्रीटी में इलाहाबाद और करा दो एरिया दिया गया था अवध के नवाब से छीनकर, उसे वापस ले लिया गया। ये पर एनम 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट करता था, इसे छीन लिया गया। इसके बाद चूंकि वहां पे रूल करना था तो रूल एंड रेगुलेशन के लिए आपको इंग्लिश, फारसी, क्योंकि मुस्लिमों का जो मुस्लिम राजा थे, पहले दरबारी भाषा फारसी था, बाद में उर्दू हो गया, तो ये फारसी भाषा से समझ में नहीं आता है। आज भी आप जाइएगा तो कोर्ट में मुतलवी कर दिया गया, अदालत, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो हैं आज भी ये फारसी शब्द यूज किए जाते थे। तो इसके लिए एक एश्योटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसमें ट्रांसलेशन की विषय की गई, ट्रांसलेट किया गया। और उसी समय मनुस्मृति, जो हिंदू लॉ बोलते हैं, उसको ट्रांसलेशन किया गया। अंग्रेजों के लिए फातवा ए आलमगिरी ये आपको औरंगजेब के पीरियड में लिखा गया एक शरीयत आधारित कानून था, यानी मुस्लिम लॉ था, उसको ट्रांसलेट किया गया। उसी समय गीता को चार्ल्स विल्किंस ने किया गया और पंचतंत्र को भी ट्रांसलेट किया गया। आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक किसी पुस्तक को ट्रांसलेशन किया गया है वह है बाइबल, और दूसरे स्थान पर आता है पंचतंत्र, और उसके बाद आता है गीता। तो इस समय चार्ल्स विल्किंस ने किया था। इन लोगों ने एक और काम किया कि बंगाल और बिहार से सटे
एक जगह था बनारस, बनारस के राजा चैत सिंह से एसोसिएशन कर लिया कि ये एक मुगल, ये इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट होगा, और उसके साथ उन्होंने एसोसिएशन कर लिया। तो वारेन हेस्टिंग्स का पीरियड पहली बार जो पूरे भारत को लेके एक सेंटर बनाने का काम किया गया वो बंगाल का किया गया। इनके जाने के बाद सर मैकफॉर्सन अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद सर मैकफॉर्सन को एक साल के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये मात्र ऑफिशियल गवर्नर जनरल बने, इन्होंने कुछ भी किया नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आज हम लोग पुलिस सिस्टम पढ़ते हैं उसमें देन है कार्नवालिस की। कार्नवालिस को फादर ऑफ आईसीएस भी कहा जाता है, फादर ऑफ आईसीएस। इंडियन सिविल सर्विस के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस। इन्होंने एक सेटलमेंट लाया जिसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं। 1793 में कार्नवालिस कोड से यह प्रचलित है, जिसमें बंगाल, बिहार बंगाल को, इस एरिया को जमींदारी सिस्टम में तब्दील की गई। यानी एक खास एरिया के क्षेत्र में बोली लगाई जाती थी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत मुश्किल हो गया था। दो दो बार अकाल पड़ गए और अकाल पड़ने के कारण लोग रेवेन्यू दे नहीं पाते थे, तो भारी संख्या में माइग्रेशन इधर से उधर होता था, तो जमीन का रिकॉग्नाइजेशन सही नहीं हो पा रहा था। इस कारण से इन्होंने जमींदारी सिस्टम लगाई और यह जमींदार पर बोली लगती थी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उस एरिया का उसे जमींदार अपॉइंट किया जाता था। जमींदार उस लैंड रेवेन्यू का 1/11 पार्ट अपने पास रखते थे और 10/11 पार्ट्स रेवेन्यू जमा करते थे जो राजकोष में जमा होता था। अब क्या इसमें समस्या ये आई कि जब रेवेन्यू कलेक्शन करते थे तो उसमें उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम आता था। क्यों? कुछ लोग दे नहीं रहे थे, तो हर एक एरिया में एक कमिश्नर नियुक्त किए गए जिसको हम लोग कमिश्नरी बोलते हैं। हर एक एरिया का एक कमिश्नर होते थे और हर एक कमिश्नर के अकॉर्डिंगली, मतलब जुडिशियरी के द्वारा, 1000 स्क्वायर फीट का एक थाना बनाया गया और उस थाना में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको एसपी बोलते हैं, नियुक्त किया गया। तो थाना के भी जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस है और इन्होंने पुलिसिया सिस्टम दा, और उस समय उनको रेगुलेशन के लिए, ताकि उन्हें इंटरेस्ट है, जिसे हम लोग इंसेंटिव कहते हैं, जैसे कोई काम करता है तो सैलरी के अलावा उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, उसी समय उन्होंने सैलरी के लिए 1% रेवेन्यू जो आता था उसका 1% पुलिस वाले को हो गया। इसीलिए आप जो कहते हैं घूस सिस्टम, जिसको आपने कहा कि मतलब अलग अलग जगहों पे, तो ये करप्शन यहीं से शुरू हुआ। ये पुलिस वाले चूंकि इन्फोर्समेंट में रहते थे, दबाव देते थे, तो ये 1% से ज्यादा भी वसूलते थे, जो ज्यादा देता था उसको रिलेवल देते थे। तो ये शुरुआत वहीं से किया गया। इन्हीं के समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। इनके बाद अगले जो ये बंगाल के गवर्नर जनरल आए थे वो थे सर जॉन सोर।